DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर के सदर पुलिस थाना अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पिता ने अपने ही बेटी को हवस का शिकार बनाया है। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद जान से भी मारने की धमकी दी है। हालांकि सदर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पिता द्वारा ही बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देने की घटना से परिसर में माहौल गरमाया हुआ है। मामला यह है कि आरोपी धीरज तायडे, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, 2020 में फेसबुक पर पीड़िता की माँ से दोस्ती हुई और फिर उनकी शादी हुई। पीड़ित बच्ची की माँ की यह दूसरी शादी थी। आरोपी कोई काम नहीं करता था। पीड़िता की माँ दिन में अलग और रात में 8 बजे से 12 बजे तक एक होटल में काम किया करती थी, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। सूत्र बताते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी को कभी स्कूल भेजा ही नहीं, यानी कि बेटी अनपढ़ थी। इस दौरान आरोपी ने 9.5 वर्षीय बच्ची को मुंबई में पहली बार दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर दोबारा जब पीड़िता की माँ 4 मई की रात को बाहर काम के लिए गई, उस दौरान सौतेले पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर किसी को बताने पर उसे और उसके भाई और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित बच्ची पेट के दर्द के कारण रो रही थी तो माँ ने उसे प्यार से अपने पास लेकर पूछताछ की। तब जाकर उसके पिता की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश हुआ। बच्ची ने पूरी हरकत माँ को बताई। पीड़िता की माँ ने तत्काल सदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यातील पीड़ित मुलगी जी आहे ती 9.5 वर्षे वयाची आहे आणि तिची आई जी आहे ती 28 वर्ष वयाची आहे। तिच्या आईला एकूण 3 अपत्य आहे, एक मोठी मुलगी आणि नंतर 2 त्यांच्यापेक्षा लहान मुले आहे। ही पहिला पतीनी सोडून दिल्यामुळे या आरोपीसोबत ती राहायला आलेली होती मुंबईमध्ये। मुंबईमध्ये काही दिवस ते राहिलेत, परंतु आरोपी तिला खूप त्रास द्यायचा, त्याच्यामुळे मग ते नागपूरला राहायला आले। इथे ती फिर्यादी महिला आहे, ती दिवसा आउट हाऊसमध्ये काम करायची आणि रात्री एका हॉटेलमध्ये काम करायला जायची, रात्री 8 ते 12। तर रात्री 8 ते 12 जी वेळ होती तेव्हा ती 9.5 वर्षाची जी पीडित मुलगी आहे ती घरी एकटी राहायची। या संधीचा फायदा घेऊन आरोपीने मुंबईमध्ये सुद्धा एकदा तिच्यावर अत्याचार केला होता, लैंगिक अत्याचार, आणि 4 तारखेला सुद्धा रात्री 9.5 वाजताच्या दरम्यान पुन्हा एकदा तिच्यावर त्यांनी लैंगिक अत्याचार केला। ती मुलगी रडत असताना आईने विचारले की नेमकं काय झालं, तेव्हा त्या मुलीने आईला सांगितलं की असं असं झालेलं आहे। आणि मग आईने हिम्मत करून पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्याकरता आली। आम्ही मुलींशी विचारपूस केली, पीडित मुलीशी विचारपूस केली, तेव्हा तिने सांगितले की अत्याचार केल्यानंतर आरोपी हा तिला धमकी देत होता की जर तू कोणाला सांगितलं आईला वगैरे तर जो तिचा लहान भाऊ आहे त्याला आणि तुझ्या आईला मी मारून टाकेल, अशी धमकी तो त्या पीडित मुलीला आणि तिच्या आईला मारण्याची धमकी देत होता। काल फिर्यादीने पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली, त्यानुसार आम्ही आरोपी विरुद्ध कलम 376(2)(j), 376(ab), 323(504) IPC रेड विथ 4, 6, 10 पोक्सो ॲक्टनुसार आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आरोपीला सदर गुन्ह्यामध्ये अटकसुद्धा केलेली आहे। आज रोजी आरोपीला माननीय न्यायालयात हजर करून त्याचा पुढील रिमांड घेऊन पुढील तपास API माने करीत आहेत। आरोपी हा कोणताही कामधंदा करत नाही, किंबहुना जी फिर्यादी आहे तिच्याच जीवावर खाणे आणि इकडे तिकडे फक्त टाइमपास करणे असंच त्याचा उद्योग आहे। पीडित मुलगी जी आहे ती फार गरीब परिस्थिती आहे त्याच्या आईची, म्हणजे फिर्यादीची, आणि तिने सांगितलं की परिस्थितीमुळे ती मुलीला शिकवू शकत नाही आहे, त्यामुळे त्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट। Enroll now. For more details, call